चैनल। दोस्तों आज का व्लॉग हम लोग बनाने वाले हैं पतरातू वैली के ऊपर। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, पतरातू वैली झारखंड का बहुत बड़ा पर्यटक में से एक है। तो चैनल पे बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। दोस्तों यही वो पतरातू वैली के रास्ता है, आप देख सकते हैं जो रिंग रोड होते हुए जाती है। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा बहुत ही खूबसूरत रोड है यहाँ का। आप लोग चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों मैं आगे की जानकारी आपको देते रहूँगा, तो चैनल पे बने रहें। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अपनी पेट्रोल ले ली है और यहाँ से हम लोग अभी पतरातू के लिए निकलेंगे। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से, आप देख सकते हैं सामने में कितनी फाइन रोड आपको देखने को मिलेगी। ये पतरातू का बोर्ड आपको सामने से दिख रहा होगा दोस्तों। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा पतरातू बहुत ही खूबसूरत लेक है। ये देखिए यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी है पतरातू की। आप लोग चैनल पर बने रहें, ये हम लोग पहुँच गए पतरातू का। यहाँ नीचे से हम लोग को राइट टर्न लेना है टुवर्ड्स पतरातू रोड। दोस्तों यहाँ लेफ्ट से हम चले जाएंगे कांके, कांके की ओर चल जाएंगे और यहाँ से हम निकल जाएंगे पतरातू रोड। तो चैनल पे बने रहें, चैनल को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोग आपको दिखाने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहें। दोस्तों आप यहाँ पे आ सकते हैं, मैं आपको बोलूँगा यहाँ आप जब भी आए, यहाँ सुबह का टाइम है, आप वहाँ का व्यू भी देख सकते हैं। पहाड़ों से घिरे हुए हैं पूरे के पूरे, पूरे पूरे पहाड़ है। अभी हम लोग लेक की तरफ हम लोग पतरातू घाटी में उतरे भी नहीं है। ये सामने का आपको व्यू दिखा रहे हैं, तो सामने हम व्यू देख सकते हैं, कितना खूबसूरत है दोस्तों। ये पतरातू का वो व्यू पॉइंट है दोस्तों, जहाँ से पतरातू घाटी का व्यू स्टार्ट होने लगता है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे आके इस व्यू पॉइंट में बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, रील्स बना सकते हैं, और आगे की हम लोग जानकारी आपको देते रहेंगे, बने रहे चैनल। वहाँ से हम लोग निकल के पतरातू घाटी में उतर चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ का कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट आप लोग को देखने को मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं, साथ में हमने कसूरी परचेज किया है, आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा इसके यूजेस क्या है। ये हमारी बोट यहाँ पे रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसी बोट में हम लोग अभी इस पर्यटक का निरंतर हम लोग मज़े लेंगे। और आपको ख़ास बात हम ये चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, बकुलों से भरी हुई है, तो चैनल पे बने रहे दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग बोट पे अभी बैठ चुके हैं और ये हमारे भैया जी हम लोगों को इस पर्यटक का निरंतर मज़े दिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये हमारे भैया जी यहाँ पे अब शुरुआत कर चुके हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं। तो चलिए भैया से ये जायज़ा लेते हैं यहाँ के बारे में। तो भैया जी आप यहाँ कब से कर रहे हैं बोटिंग? 3 साल। तो इनका यहाँ पे 3 साल से ये यहाँ पे बोटिंग का काम कर रहे हैं और ये पहला बार है जो हम लोग इस वीडियो उसको बना रहे हैं। वो सामने में आप देख सकते हैं वो रिजॉर्ट है दोस्तों, आपको पता चल जा रहा होगा। देखिए इसका क्या यूजेस है, यह सामने से आपको दिख रहा होगा, ये साइबेरियन बर्ड्स है और ये खासकर विंटर के सीजन में ही पाए जाते हैं। आप लोग इस लेक में विंटर के समय में ही आइएगा तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा यहाँ पे, ठीक है। ये दिसंबर के महीने से स्टार्ट हो जाता है, फरवरी तक विंटर ये रहता है। तो
दोस्तों हम लोग यहाँ से अभी निकल चुके हैं और देख सकते हैं पीछे लेक का व्यू हम लोग बहुत ही खूबसूरत लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं पतरातू रिज़ॉर्ट। तो रिज़ॉर्ट का आप लोगों को जायज़ा देंगे, वहाँ पे क्या क्या खास है, क्या क्या वहाँ पे बेहतरीन बेहतरीन चीज़ें हैं आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो चैनल पे बने रहें, चैनल बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, आगे अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाने बाकी हैं, तो चैनल पे बने रहें। तो हमारी गाड़ी पार्क हो चुकी है और मैं सामने में एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा कि डिजनी लैंड मेला आपका जल्दी लगने वाला है अभी, और ये मैं बताना चाहूँगा कि विंटर में ही लगता है डिजनी लैंड मेला और यहाँ से काफ़ी धूमधाम से इसको किया जाता है। चलिए आपको लेक रिजॉर्ट के अंदर आपको लेकर यहाँ पे कुछ दुकानें भी आपको देखने को मिल सकती है इस टाइप के, यहाँ से आप अपना स्नैक्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सामने में आपको क्रूज़ दिख रहा होगा, ये आइलैंड क्रूज़ का बहुत सारा यहाँ पे दिया गया है, और ये सामने में टिकट काउंटर है, टिकट यहाँ पे चार्जेस 20-20 रुपीज़ की है। दोस्तों यहाँ पे हमारी टिकट काउंटर है और यहाँ से हम अपनी टिकट परचेज कर रहे हैं, ये हमने अपनी टिकट परचेज कर लिया है। तो यहाँ पे डिजिटल आपको प्रिंटेड आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। दोस्तों हम लोग पतरातू लेक रिजॉर्ट में पहुँच चुके हैं, ये प्रवेश द्वार एंट्री गेट है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ का व्यू है। अभी हम लोग यहाँ पे अपना एंट्री करेंगे, एंट्री करके हम लोग अंदर की ओर विजिट करेंगे, तो बताते हैं आगे की जानकारी। तो दोस्तों इस देख सकते हैं वेलकम टू एंटार्क्टिका इंडियस लार्जेस्ट वाटर थीम पार्क एट पतरातू बोट, मैं आपका स्वागत है दोस्तों। यहाँ पे आपको बोटिंग से रिलेटेड आपको सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, और मैं बताना चाहूँगा दोस्तों बहुत ही खूबसूरत ये पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क है। बच्चों के साथ आप यहाँ पे ज़रूर से ज़रूर विज़िट करें, बच्चों के खेलने के लिए बहुत सारी सुविधा यहाँ पे दी गई है आप देख सकते हैं। और आगे आपको हम चार्जर देते रहेंगे, बने रहे चार्ज। तो दोस्तों अब हम लोग स्पीड बोट का जायज़ा लेंगे और स्पीड बोट के बारे में आपको हम बताएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका पतरातू का पूरा बोट का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए अंदर हम लोग बताते हैं आपको। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे टिकट काउंटर है और यहाँ पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कौन सा बोट कितने का प्राइस है। तो हमने स्पीड बोट यहाँ पे परचेज़ किया है दोस्तों, जिसकी कीमत 500 रुपये पड़ी है, मैंने पूरा बोट ही परचेज़ किया है। चलिए हम लोग अपना चेकिंग करवाते हैं, तो यहाँ पे हमारी चेकिंग हो गई, हम लोग अंदर की ओर जा रहे हैं, देख सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग लेक रिजॉर्ट में एंटर कर चुके हैं और ये आप सामने में देख सकते हैं, यहाँ में हमारी बोट भी तैयार है, अब लोग इसी में बैठ के अभी पूरा लेक का मज़े लुफ्त उठाएंगे, तो चैनल पे बने रहे दोस्तों। तो अभी हम लोग दोस्तों बोट में बैठ चुके हैं और यही भैया है जो हम लोग को वैली का पूरा नज़ारा दिखाएंगे, सामने में एक टापू है वहाँ तक हम लोग को लेके जाएंगे, तो चैनल पे बने रहें, व्यूज़ बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, यहाँ आप देखिए, बने रहें। Let me.
पत्रातू रिसोर्ट के ठीक बाहर में आपको झारक्राफ्ट। तो मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, ये झारक्राफ्ट झारखंड का ही ब्रांड का जितने भी कपड़े हैं, रिलेटेड आपको सारा यहाँ पे आपको कपड़े देखने को मिलेंगे। अंदर का आप विजिट कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे ये भैया हैं झारखंड के, झारक्राफ्ट के बारे में थोड़ा सा हमको जानकारी देंगे, तो आइए इनसे हम जानकारी लेते हैं। तो भैया बताइए, ये झारक्राफ्ट है क्या और इसको क्या चीज़ से बनाया जाता है? झारक्राफ्ट ये झारखंड सरकार का कॉरपोरेशन है। अच्छा। और इसमें सारे प्रोडक्ट हमारे हैंडलूम का रहते हैं। अच्छा। हैंडलूम हमारे यहाँ तसर सिल्क का स्पेशल में जो आता है तसर सिल्क। अच्छा। ये ढोकरा आर्ट है। अच्छा, ये ढोकरा आर्ट जो कि सारे हैंडलूम से बनाए जाते हैं। ढोकरा हाथ से बनाया है। अच्छा, ये सारे हाथ से बनाए हुए हैं। इसका एक मोड़ आता है, ग्लास का रहता है। अच्छा। हमारे यहाँ हैंडलूम प्रोडक्ट भी है, कॉटन में है, हमारे पास कुर्ता है। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन के जितने भी है सारे ये हैंडलूम प्रोडक्ट्स हैं, जो कि ठीक पत्रातू लेक रिजॉर्ट के ठीक बाहर में ही आपको उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पे आप लोग जरूर से जरूर विजिट करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक से बढ़कर एक बंडी वगैरह भी यहाँ पे मौजूद है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर से जरूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।